नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गिरिधर और आज मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाने वाला हूँ जो जीवन के हर पल की महत्वाकांक्षा को जगाने के बारे में है। इस रोमांचक कहानी के संग हम सब मिलकर यह अनुभव करेंगे कि जिंदगी के हर पल को जिंदा दिल से जीना हमारे आसपास की सुंदरता को कैसे बढ़ाता है और हमारे आत्मविश्वास को कैसे उजागर करता है। तो तैयार हो जाइए इस मजेदार कहानी के लिए और हम सब मिलकर अपने जिंदगी के हर एक मिनट को जिंदा दिली से जीने के माहिर बनेंगे। एक अमीर आदमी था, उसने कड़ी मेहनत करके ढेर सारी दौलत इकट्ठी की ताकि उसके रिटायर होने के बाद वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। दुर्भाग्यवश उसे कोविड की बीमारी हो गई और उसके चलते हुए उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। इसी बीच यमदूत जी आ गए और वो बोले, सेठ जी आपका समय अब समाप्त हो गया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। सेठ ने सोचा कि मैं तो बहुत अमीर हूँ तो ठीक है, मैं कुछ समय खरीद लेता हूँ, और उसने यमदूत से कीमत लगाना शुरू कर दिया। सेठ यमदूत से बोले तो यमदूत ने साफ मना कर दिया। काफी समय तक मिन्नत करने के बाद भी यमदूत टस से मस भी नहीं हुआ। आखिरकार सेठ ने लास्ट प्रस्ताव रखा कि मेरी सारी दौलत ले लो और मुझे मेरे जिंदगी का एक घंटा दे दो ताकि मैं प्रकृति की तारीफ कर सकूं और मैं अपने घर वालों और दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिता सकूं, क्योंकि मैं उनसे बहुत समय से मिला भी नहीं हूं। लेकिन यमदूत ने फिर से मना कर दिया। सेठ ने यमदूत से कहा कि मुझे केवल एक मिनट दे दो ताकि मैं एक गुड बाय नोट तो लिख सकूं। यमदूत ने यह बात मान ली और एक मिनट का समय दे दिया। दोस्तों, उस आदमी ने जो नोट लिखा वही आज हमारी बहुत बड़ी सीख है। उसने ये नोट लिखा, अच्छा समय बिताओ जो तुम्हें मिला है, अपनी सारी दौलत से अपनी जिंदगी का एक घंटा भी नहीं खरीद सका तो तुम कमाने के साथ साथ अपनी जिंदगी पूरी तरह से जियो। अपने दिल की सुनो, अपने चारों ओर एक बेहतर वातावरण का निर्माण करो, अपने जिंदगी के हर मिनट को जिंदा दिली से जियो। दोस्तों, अपने में तुम जिंदगी के हर एक मिनट को जिंदा दिली से जियो। नजर में ख्वाबों की बिजलियां, जिंदा दिली से जीने का मतलब है कि हमें हर लम्हे को सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय समझना चाहिए, तुम्हें एक दरिया के उसका आनंद भी लेना चाहिए। आप जैसे जिंदा दिल लोगों को मेरा प्रणाम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तुम जिंदा हो।